इधर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राजधानी पटना में वित्त मंत्री विजय चौधरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में बालू और शराब नीति पर सरकार विचार करे, शराब पीने के मामले में जेल गए लोगों को सरकार माफ कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के हम सच्चे मित्र और उनके कृतज्ञ हैं। जो पद मुझे नहीं मिलता उस पद पर भी उन्होंने मुझे बिठाया, मैं मरते दम तक इसे नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी के प्रति हमारी श्रद्धा है, इसमें कहीं शक नहीं है, लेकिन 2 करोड़ नौकरियों का जो वादा किया था उसका क्या हुआ, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। पीएम पहले अच्छा काम कर रहे थे लेकिन आजकल हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की ओर ही सिर्फ जा रहे हैं। नीतीश कुमार इन चीजों से देश को निकालना चाहते हैं और अगर इसमें नीतीश सफल होते हैं तो बहुत अच्छा होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नीतीश कुमार की विरोधी एकता की मुहिम सफल हो। लोकसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 सीटों की दावेदारी करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मगध इलाके में पार्टी का जनाधार बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ता भी चाहते हैं कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ें। ये नाराजगी नहीं है, यही है आप लोग कहते हैं और पेंट करते हैं, इसको कोई अच्छी पत्रकारिता के रूप में नहीं लेता हूँ। कहा गया है कि जो मित्र है, जो सच्चा दोस्त है अपने आदमी को, या जिस नाव पर हम चल रहे हैं कोई कारण से नाव डूबने की स्थिति है तो नाव को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार से आज जो महागठबंधन के साथ हम हैं, नीतीश कुमार के साथ रहने का हमने कसम खाई है कि हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे, तो कसम खाने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि जहां कोई गड़बड़ी हो तो हम बतावें। सीतामढ़ी के जेडीयू से सांसद सुनील कुमार पिंटू से फोन पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। रंगदारी की रकम नहीं देने पर